एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला रूल नंबर वन, साइक्लिक प्रोसेस में, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपने गैस को पहले एक्सपैंड किया तो गैस ठंडी हो गई, कंप्रेस किया गर्म हो गई, तो जो टेम्परेचर था साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर वापस में वही हो जाता है। जब टेम्परेचर नेट सेम हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी डी यू क्या रहती है, जीरो, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो याद रखना, कभी भी जब न्यूमेरिकल आएगा साइक्लिक प्रोसेस का तो डी यू देखते ही आपने क्या पुट कर देना है, जीरो। क्लियर, रूल नंबर वन क्लियर। रूल नंबर टू, बॉइलिंग प्रोसेस में मैंने आपको अभी एक शॉर्टकट बताया कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता किसी बॉडी का तो डी यू जीरो है, क्योंकि डी यू डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट वन प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग में क्या होता है, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन गई। जब हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो डी क्यू कितना होगा, एम एल, हमने कितनी हीट दी उसको स्टीम कन्वर्ट करने के लिए, एम एल, एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डी यू इसमें जीरो नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स पानी में पास होते हैं और गैस में दूर चले जाते हैं, तो देयर इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहती, डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, तो इसलिए यहां पर जीरो नहीं करना, चाहे टेम्परेचर रिमेंस सेम, अदरवाइज टेम्परेचर सेम है तो डी यू बिल्कुल जीरो रहता है। बॉइलिंग प्रोसेस में स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में तो डी यू कभी जीरो नहीं होता, तो इसलिए इसने फाइनल माइनस इनिशियल पुट किया, और वर्क डन में तो पी इंटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये ट्रिक है, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा, याद कुछ नहीं करना आपने। तो आपने ये पहला रिजल्ट क्या याद रखना है, फर्स्ट लॉ में अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डी यू जीरो, बॉइलिंग प्रोसेस में डी यू जीरो नहीं करना। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता तो देखते डी यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक, न्यूमेरिकल में याद रखना। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, बस ये याद रखना।